करण सिंह ने भेजे हैं भोला सिंह को मारने के लिए। मारने के बाद 5 लाख रुपया AK-47 देने के लिए बोले हैं। विकास सिंह के आदमी हैं मैं। हाँ हेलो जी, तो छोड़ा को ढेर क्रम में हुआ तो सरकार जब कुछ अलवर भेज रहे हैं जी, तो कह रहा है कर गए रहे तो वो कि हम तुमको रेलवे के लिए दिखा रहे हैं, तुमको छुपा के पास तुमको रास्ता धड़ा निकाल देंगे, तो बाहर के आ जाएंगे वो करेगा। वह 500 आप जो करते हैं वो 500 को करते जो बात है उन लोगों का प्रत्येक को पलटते जा रहा है। घर माननीय विधायक AK-47 हमको कहीं रखने की जगह नहीं था, तो अपना घर था। अनंत का अंत तय है। अनंत की अनंत कथा पाठ का अंतिम अध्याय शायद अब समाप्त होने को है। तमाम अटकलों और आशंकाओं के बीच मुकामा विधायक अनंत सिंह आखिर लाल कोठरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी वक्त कानून की हथकड़ी हाथों को बांधने के लिए पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंच सकती है। हालांकि विधायक अब तक खुद को सियासी साजिश का शिकार बता रहे हैं। वो अपने ले गए, अपने उसको निकाल के दिखाए, तंग करने पर पड़ल है। वो घर हम 14 साल से ले गए हैं। हमारे विरोधी का घर सटल एकदम एक के दीवार है, इसमें बने कोई छौरी छक्कर नहीं है। और उसके बाद हमको फंसाया जा रहा है। AK-47 हमको कहीं रखने की जगह नहीं था, तो अपना घर था। हम बैठा ले चले, हम एक बैग नहीं भागेंगे। ठीक है, ललन सिंह से आपकी बात नहीं होती, लेकिन आप हाँ कोशिश की है, नहीं बात हुआ। इसका मतलब कि वो मिलना नहीं चाहते? हाँ नहीं मिलना चाहते हैं, तभी नहीं। हम कोशिश की है, बिजनेस से 4-5 कोशिश की है, लेकिन नहीं उधर से कुछ ऑफर आया। तो अब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे? गिरफ्तार करेगा, हम जेल जाएंगे, बेल करावेंगे, न्यायालय पर हमको भरोसा है, अब क्या करेंगे? इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से अनंत के अंत की पूरी दास्तान बताएंगे। मोकामा विधायक अनंत सिंह को मुंगेर लोकसभा चुनाव में मात मिली और फिर उनके दुर्दिन शुरू हो गए। बाढ़ के पंडारक में भोला सिंह और मुकेश सिंह की हत्या करने आए 3 शूटर्स ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि विधायक अनंत सिंह ने हत्या की सुपारी दी थी। अनंत सिंह हमको भेजा है, विकास सिंह को छोड़ा 2 लाख रुपया दे के भोला सिंह को। अनंत सिंह ने भेजे हैं भोला सिंह को मारने के लिए। मारने के बाद 5 लाख रुपया AK-47 देने के लिए बोले हैं। हम विकास सिंह, विकास सिंह के आदमी हैं मैं। यहाँ तो यहाँ भोला सिंह को मारने के लिए यहाँ मन्नू सिंह है। मन्नू सिंह के आदमी हम लोग हैं। शूटर्स के खुलासे के बाद ऑडियो क्लिप सामने आया। ऑडियो में अनंत सिंह जहानाबाद के कुख्यात अपराधी विकास सिंह से इसी हत्याकांड की साजिश रचते हुए सुने गए। जी अपना गुमगम में अपना जाकर लगा के रखते है। 3-4 आदमी अपना सुतल मूलवत पर भेज दलके है, अगर बन जाए तो यहाँ पड़ जाइए। इस ऑडियो क्लिप की जांच के लिए FSL में अनंत सिंह का वॉइस सैंपल लिया गया। खबर है कि वॉइस ऑडियो और अनंत सिंह की आवाज सैंपल मैच कर गया है। अब पुलिस को इस अत्याधुनिक हथियार की तलाश थी जिसमें भोला सिंह और मुकेश सिंह को गिराने की बात की गई थी। मतलब पुलिस AK-47 की तलाश में थी। तभी शुक्रवार को बाढ़ के लदमा स्थित अनंत सिंह के पैतृक घर पर बड़ी रेड हुई। AK-47 मैगजीन में लोड 26 कारतूस और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए। इतने अत्याधुनिक हथियारों की बरामदगी के साथ ही अनंत सिंह के अंत का आभास होने लगा। यहां से AK-47 राइफल बरामद हुआ है और अन्य कुछ संदिग्ध सामान है, जिसके लिए हम लोग बॉम्ब स्क्वाड टीम को बुलाए हैं पटना से और हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। घर माननीय विधायक अनंत जी के घर से भी बरामद हुआ है। अब हथियार बरामदगी के मामले में UAPA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर बाढ़ की ASP लिपि सिंह को केस का IO बनाया गया है। इस केस में अनंत के अनंत कथा का अंत होना तय माना जा रहा है। अगर UAPA कानून की बात करें तो यह कानून आतंकवाद निरोधक कानून है। 1967 में बने इस कानून को इसी साल मोदी सरकार ने संशोधित किया है। संशोधन लागू होने के बाद ये कानून बेहद सख्त हो गया है। अब केंद्र सरकार और उसकी एजेंसी NIA को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे आतंकी घोषित कर सकता है। सरकार उसकी सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। ये सारा अधिकार NIA के पास है। ऐसे में समझना बेहद आसान है कि इस कानून के जाल में फंसे अनंत सिंह का अंत होगा या नहीं। रिपब्लिकन न्यूज पटना।
रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।